जीवन में सफलता पाने का एक राज है, जो कुछ करना है वक्त उसका आज है। आत्मविश्वास नहीं देखता कितने तूफान है, तेज बारिश और तूफानों में उड़ता बाज है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ बनना हो तो बाज बनना, क्योंकि वो कहते हैं ना, बाज से क्यों बाजी लगाते हो साहब, हार जाओगे, इसके हौसले के सामने तुम कभी ना टिक पाओगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बाज की 5 ऐसे गुण के बारे में बताऊंगा जिससे आपको सीखना चाहिए। नंबर 1, बाज की तरह आत्मनिर्भर बनो। बाज कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्चाई है, क्योंकि अगर बाज को कुछ खाने के लिए दोगे तो वो नहीं खाएगा। बाज खुद पर निर्भर रहता है और जीवित रहने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए खुद शिकार करता है। वह दूसरे का शिकार किया हुआ भोजन कभी भी स्वीकार नहीं करता, वह अपने लिए भोजन खुद जुटाता है। दोस्तों, बाज का इस एटीट्यूड से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें किसी भी काम के लिए ना तो दूसरे पर निर्भर रहना चाहिए और ना ही आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा लेना चाहिए। नंबर 2, बाज की तरह सोच रखो। दोस्तों, आप बाज को कभी भी छोटे मोटे पक्षियों के साथ उड़ते हुए नहीं देख सकते। वो हमेशा आसमान की गहराइयों में अकेला उड़ता है, या फिर वो अपने बराबरी के पक्षियों के साथ ही आसमान में उड़ता है। ऐसे में हमें बाज की इस एटीट्यूड से यह सीखने को मिलता है कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें भी बाज की तरह ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो आपके लेवल की हो, जो आपकी तरह सोचती हो। नंबर 3, अपने लक्ष्य पर बाज की तरह नजर रखो। बाज की नजर लेजर लाइट जैसी तेज होती है। ये अपने शिकार को पाने के लिए बड़ी तीव्रता से उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है और उसे पाने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और एक समय में एक ही काम को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम में लग जाना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। नंबर 4, बाज की तरह रिस्क लेना सीखो। जहाँ आप 20 से 25 साल की उम्र में रिस्क लेने से डर रहे हो, वहीं एक बाज के बच्चे की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। अन्य पक्षियों के बच्चे जहाँ अपने घोंसले में बैठकर चहचहाना सीखते हैं, उस वक्त बाज अपने बच्चे को दोनों पंजे में दबाकर आसमान की गहराई में उड़ जाता है और उसे बताता है कि तुम आसमान की गहराइयों में उड़ने के लिए बने हो, तुम पक्षियों के राजा हो। और वह ऐसा कह के अपने पंजे की चंगुल से बच्चे को उड़ने के लिए छोड़ देता है। बाज का वह बच्चा फड़फड़ाते हुए नीचे की तरफ आता है और अपने पंख फैलाने की कोशिश करता है। जैसे ही बाज का वह बच्चा जमीन तक पहुंचने वाला होता है, तभी अचानक बाज अपने छोटे से बच्चे को पंजे में लेकर फिर से आसमान की गहराइयों में उड़ जाता है। और इस तरह से जब तक वह उड़ना सीख नहीं लेता, तब तक उसे हाई रिस्क वाली ट्रेनिंग दी जाती है। तब जाकर वह बाज बादलों को चीरते हुए आसमान में उड़ना सीखता है। नंबर 5, बाज की तरह परेशानियों के आगे झुको मत। दोस्तों, औसतन एक बाज की उम्र 70 वर्ष की होती है, लेकिन जब वह 40 साल का होता है तो उसके सामने कई परेशानियां आ जाती है। उसके चोंच मुड़ जाते हैं, पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वह सही ढंग से उड़ नहीं पाता। तब उसके सामने 3 रास्ते बचते हैं। पहला, वह अपने प्राण को त्याग दे। दूसरा, वह दूसरे के दिए हुए भोजन पर निर्भर रहे। तीसरा, या फिर पुनः जन्म की एक खतरनाक प्रक्रिया से गुजरे जो उसके जीवन को 30 वर्ष और बढ़ाएगी। यह प्रक्रिया बहुत ही पेनफुल होता है। इसमें वह अपने मुड़े हुए चोंच को पत्थरों से टक्कर मार मार कर तोड़ देता है, ताकि फिर से दोबारा नए चोंच आ सके। जब दोबारा नए चोंच आते हैं, उन्हीं नए चोंचों से अपने दोनों पंजे को काट देता है। जब नए पंजे आते हैं, तब इसके बाद बाज अपनी भारी विशाल पंख, जो उन्हें आसमान की गहराई में उड़ने नहीं देती, उन्हें एक एक करके काटना शुरू कर देता है। इसके बाद बाज नए पंख आने का इंतजार करता है। इस पूरी प्रक्रिया में पूरे 5 महीने लगते हैं, जिसमें बाज को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। तब जाकर उसका फिर से पुनः जन्म होता है और पहले की तरह फिर से उड़ पाता है। दोस्तों, बाज के इस जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि बिना किसी दर्द के, बिना किसी बलिदान के, ना ही हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और ना ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको बाज के जीवन से कुछ सीखना हो तो आप बाज का कौन सा गुण अपनाएंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।